दोस्तों करीब एक साल बाद फिट होकर मैदान पर लौटने वाले जसप्रीत बुमराह बाल बाल बच गए। 11 महीने बाद पहला मैच खेल रहे बुमराह के साथ हादसा टल गया। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर बुमराह ने टीम इंडिया की पहले गेंदबाजी चुनी थी। बॉलिंग की शुरुआत भी बुमराह ने की और पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए। उनकी पुरानी धार देखकर हर एक फैन खुश हो गया, मगर इसी मैच के दौरान बाउंड्री पर उनके साथ जो हुआ उसने हर किसी की धड़कन बढ़ा दी थी। बात वॉशिंगटन सुंदर की 14वें ओवर की है। उनकी ओवर की 5वीं गेंद पर कर्टिस कैम्फर ने चौका लगाया तो रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह दोनों एक गेंद को बाउंड्री तक पहुंचने से पहले ही रोकना चाहते थे। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से गेंद को रोकने के लिए दौड़े। बिश्नोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़े और स्लाइड लगाई। उन्होंने गेंद को लगभग रोक दिया था। वही दूसरी छोर से आ रहे बुमराह भी रफ्तार में थे। वो बिश्नोई से टकराने ही वाले थे, मगर इससे बचने के लिए उन्होंने जंप लगा दी और वो रोक के पास कूद गए। दूसरी तरफ इन सब के बीच गेंद भी बाउंड्री को टच कर गई और बुमराह भी टकराने से बच गए। दोस्तों अगर एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो दोनों की भयानक टक्कर हो सकती थी, क्योंकि बुमराह तेज रफ्तार में थे और बुमराह के साथ साथ बिश्नोई भी चोटिल हो सकते थे। टक्कर से बचने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। वही बुमराह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी नजर आई, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ देर पहले उनके साथ क्या हो सकता था, उन्हें कितना नुकसान हो सकता था। वैसे भी इस वक्त हर किसी की नज़र उनकी फिटनेस पर ही टिकी हुई है, क्योंकि 4 साल में वो 5 बार चोटिल हो गए हैं। पिछले साल सितंबर में बुमराह की पीठ की चोट इतनी गंभीर हो गई थी कि वो एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। उन्हें मैदान पर वापसी करने में भी 11 महीने लग गए। ऐसे में अब उनकी कोशिश लय हासिल करके एशिया कप के साथ वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी फिटनेस साबित करने की है। ऐसे में अगर पहले टी20 मैच में उनकी टक्कर हो जाती तो उनके लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल हो जाता। वहीं भारतीय टीम को भी बड़ा झटका लग जाता, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को देखते हुए बुमराह भारत के लिए बेहद अहम है। वही दोस्तों बात करें इस मुकाबले की तो टीम इंडिया ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 2 रन से जीत दर्ज की। टीम इंडिया में वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह पहली बार कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने अपने प्रदर्शन से भी इस वापसी को खास बनाया। दोस्तों भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और आयरलैंड को 139 रन पर ही रोक दिया। बुमराह, रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट हासिल किए। वही जवाब में भारत ने 6.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 47 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं खेला जा सका, जिसकी वजह से टीम इंडिया को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 2 रन से विजय घोषित कर दिया गया। वही बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।